प्योर देसी घी का टेस्ट ही अलग आता है। अरे वाह, हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आपका स्वागत है सुदीप किचन में। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1.5 कप चीनी, 2 कप बेसन, थोड़ा इलायची पाउडर, 1 टीस्पून मगज और फूड कलर। बेसन को एक बाउल में ले ले, अब हल्का पानी डालें। एक साथ पानी नहीं डालना है, अच्छे से मिक्स करते रहें, हल्का का पानी डालते रहें, जब तक हमारा पेस्ट अच्छे से हल्का मोटा ना हो जाए। बन गया हल्का मोटा पेस्ट, ध्यान रहे कि पेस्ट में बबल्स ना हो। मैंने 2 टेबलस्पून फूड कलर लिया है, मुझे लड्डू को ज़्यादा रेड कलर में बनाने हैं, आप चाहें तो 1 टेबलस्पून ले सकते हैं। और फिर अच्छे से मिक्स करें, मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह हो जाएगा हमारा पेस्ट। कढ़ाई को कर लिया गर्म और इसमें डालें प्योर घी। प्योर घी लेना आप भी, क्योंकि खुशबू और टेस्ट प्योर घी से आएगा। यह मेरा झारा है, सॉरी दोस्तों, एक्चुअली तुरंत में मेरे पास कोई झारा नहीं था, इसलिए एक प्लास्टिक के बाउल से मैंने नया झारा बना लिया। काफ़ी अच्छे से बन रही है हमारी बूंदी, ध्यान रहे गैस मीडियम फ्लेम पे ही रखना, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना है। हल्का हल्का चलाएं। और इनको बाहर निकालें, छन्नी के बर्तन में ही रखना है, क्योंकि छन्नी के बर्तन में रखने से बूंदी का सारा घी बाहर आ जाएगा। इसी तरह सारी बूंदी बना लेना है हमको। सारी बूंदी बन गई है, अब बनाते हैं हम बूंदी के लिए चाशनी। गैस को करें हाई फ्लेम पे। फिर मैंने लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डालें 2 कप पानी और फिर 1.5 कप चीनी, जो हमने पहले ही रख लिया था एक बाउल में। एक अच्छी उबाल के बाद टी छन्नी से साफ कर लें, अच्छी तरह साफ हो जाए उसके बाद 1 टीस्पून रेड फूड कलर डालें और डालें इलायची पाउडर, जो मैंने पहले से ही पीस लिया था। अब अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे चलाओ। पांच मिनट के बाद हमारी चाशनी इस तरह हल्की मोटी बन जाएगी। चाशनी हमारी हो गई है रेडी, चलो उसमें डालते हैं अब अपनी रेडी की हुई बूंदी जो हमने बनाई थी। अब चलाते रहें, अच्छे से मिक्स करें और एक उबाल तक हिलाते रहें।
अव्वल आ गया है, बूंदी हो गई है रेडी। गैस को करें लो फ्लेम पे और अच्छे से ढक दे 10 मिनट के लिए, ढके रहे। 10 मिनट के बाद कुछ हमारी बूंदी इस तरह हो जाएगी। और गैस को कर दे बंद। बूंदी हमारी अब अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। हमारे रोस्टेड मगज, जो मैंने पहले से ही इसको रोस्ट कर लिया है, इसको मिला ले, अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद गैस को कर दे बंद। एक प्लेट में यह फैला दे अच्छे से ताकि ठंडा हो जाए। 20 मिनट के लिए इसको हमें ठंडा करना है और उसके बाद हम बना सकते हैं अपने अब मोतीचूर के लड्डू। देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। हल्के हल्के हाथ से बनाना है, ज़्यादा प्रेस मत करना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से।